हमारे भारत में भगवान की पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। शास्त्रों में कहा है, देवताओं के दिन रात धरती के 6 महीने के बराबर होते हैं। इसी आधार पर जब वर्षा काल प्रारंभ होता है तो देव शनि एकादशी को देवताओं की रात्रि प्रारंभ होकर शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी तक 6 माह तक देवताओं की रात रहती है। कहा जाता है कि इस दौरान तुलसी की पूजा से ही देव पूजा का फल मिलता है। देव उठनी से 6 महीने तक देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। अतः तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु उन्हें वैकुंठ को विदा करते हैं। इस तिथि को तुलसी वैकुंठ लोक में चली जाती हैं और देवताओं की जागृति होकर उनकी समस्त शक्तियों पृथ्वी लोक में आकर लोक कल्याणकारी बन जाती हैं। तुलसी पूजा का मंत्र वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीच तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव श्रोता नामर्थन संयुक्तम ये पठित तच संपु सौश्रमेक फलमेता। तुलसी के 8 नाम वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी। इस मंत्र का जाप करें या नहीं हो सके तो तुलसी के इन 8 नामों को स्मरण करने से ही अक्षय फल मिलते हैं। इन चीजों से करें तुलसी पूजन। तुलसी पूजा के लिए घी का दीपक और धूप लगाएं, सिंदूर चंदन नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। रोजाना तुलसी का पूजन करने से घर का वातावरण पवित्र रहता है। इस पौधे में कई ऐसे तत्व भी होते हैं जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। इसे प्राणदायिनी कहा जाता है और जल या दूध में तुलसी दल डालने से वे पंचामृत हो जाता है।